हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाइपिंग कैसे लगाते हैं। ये मैंने एक फिश कट लहंगा रेडी किया है। हम इसके घेरे पर पाइपिंग लगाना सीखेंगे कि इसके घेरे पे इस तरीके से आप किसी भी घेरे वाली चीज़ पर या अम्ब्रेला फ्रॉक के घेरे पर, अपने सूट्स पर, सूट के गले पर, बाजू वगैरह पर आप इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। सबसे से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस से हमेशा नोटिफाई रहें। पाइपिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको उरेप पट्टी काटनी है, जिसे आड़ी पट्टी भी कहा जाता है और इंग्लिश में उसे बाई स्ट्रिप कहते हैं। सबसे पहले हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे, उसके बाद उरेप पट्टी कट करेंगे। इसे कपड़ा आड़ा रख के हमें कट करना होता है। अब मैं इसको एक स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इसे इस लाइन को स्ट्रेट कर लूंगी और कट कर दूंगी। इसे कटिंग करेंगे। अगर आपने मेरी गले बनाने वाली उरेप पट्टी वाली वीडियो नहीं देखी है, आप उसे जाके प्लीज देखिए, आपको उरेप पट्टी कैसे काटते हैं ये समझ आ जाएगा। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर उसे चेक करें। ये देखिए, हमने उरेप पट्टी कट कर ली है इस तरीके से। अब मैं ऐसे 2-3 उरेप पट्टी और कट करूंगी। ये देखिए, मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब मैं इसे ज्वाइन करूंगी इस तरीके से। ये इसका सीधा भाग है और ये दूसरी पट्टी का सीधा भाग है। दोनों को इंटरफेस रखते हुए इस तरीके से आपको इसको रखना है और यहाँ पर स्टिच कर देना है। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है इसे और ये हमारी दोनों उरेप पट्टियाँ जुड़ गई हैं इस तरीके से। अब हम अपना लहंगा लेंगे या जहाँ भी आपको अपनी पाइपिंग लगानी है इस तरीके से, और इसको सीधी तरफ हम अपनी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए हमारे इस यहाँ से, और इस तरह यहाँ पर रख के हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इसे। आपको ध्यान रखना है कि आप कपड़े की सीधी तरफ इसको रखें और इस पट्टी को आपको फोल्ड करके रखना है, और फोल्डेड साइड आपको मार्जिन की तरफ रखना है और जो हमारा बंद वाला साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मैं सीधे ही यहाँ पर इसको अटैच कर रही हूँ। आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है जहाँ पर आप सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से मैं अपने पूरे घेरे पर इसको अटैच कर लूंगी। ये देखिए, हमने पूरे घेरे पे अपनी इस तरीके से अपनी इसको पाइपिंग जो हमने बनाई थी अभी अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ेंगे और इस कपड़े को हम पाइपिंग की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम इसको अंदर मोड़ेंगे। हमें जितनी भी अपनी पाइपिंग दिखानी है हम उतनी दिखाएंगे, और यहाँ पर हमें पाइपिंग पे नहीं लगानी है सिलाई, हमें उस कपड़े पे लगानी है उसके ऊपर। इस तरीके से आपको ये कपड़ा पाइपिंग की तरफ रखना है और पाइपिंग को अंदर मोड़ देना है। ये कपड़ा पाइपिंग की तरफ रखने से हमारी पाइपिंग मोटी मोटी नजर आएगी और दिखने में भी खूबसूरत लगेगी।
यही सेम प्रोसीजर आपको अपनी पूरी पाइपिंग के साथ करना है। ये देखिए हमारी पाइपिंग कितनी सुंदर सी बन रही है। मैंने अपनी पाइपिंग को थोड़ा मोटा ही रखा है क्योंकि मैं ये घेरे में लगा रही हूँ। आप चाहे तो गले में या बाजू में अगर आप लगाते हैं तो आप इसको पतला भी कर सकते हैं। आपको जितनी मोटी से रखना है आप उतना रख सकते हैं, या आप जितना पतला रखना चाहते हैं आप अपनी पाइपिंग को वैसे ही रख। देखिए आप पीछे से भी देख सकते हैं कि हमारी पाइपिंग में कितनी फिनिशिंग है, और आगे से तो है ही, आगे से भी बहुत सुंदर है और एक बराबर है। पाइपिंग हमारे कपड़े की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखिए हमारी पाइपिंग लगकर तैयार है और हमारा लहंगा प्रिटी लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। अब मैं इसकी लास्ट स्टिच करूंगी, यहां से Now I am going to attach elastic here to finish my fish cut lehenga. So guys, this is the complete look of my fish cut lehenga pipin. अगर आपको ये pretty सा cute सा fish cut lehenga अच्छा लगा है तो आप मुझे comment box में please बताइए। अगर आपको इसका tutorial चाहिए तो आप मुझे please comment section में बताइए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लव यू।